पैराग्लाइडिंग समेत अन्य रोमांचक खेलों को खेल नीति में शामिल किया जाएगा। नीति तैयार कर ली गई है। बजट सत्र के दौरान खेल नीति से संबंधित मामला कैबिनेट की बैठक में रखा गया। ये जानकारी गोविंद ठाकुर पालनपुर में टीसीपी सब कमेटी की बैठक के दौरान दी। पैराग्लाइडिंग समेत अन्य रोमांचक खेलों को खेल नीति में शामिल किया जाएगा। नीति तैयार कर ली गई है। बजट सत्र के दौरान खेल नीति से संबंधित मामला कैबिनेट की बैठक में रखा। गोविंद ठाकुर ने पालमपुर में टीसीपी सब कमेटी की बैठक के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, स्काई साइकिलिंग को खेल नीति में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनाली में अटल बिहारी माउंटेनियरिंग ने संस्थान की देखरेख में रोमांचक खेलों का आयोजन किया जाता है। भीड़ बिलिंग को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। विदेश के पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु इस दिशा में कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि टीसीपी कमेटी लोगों की शिकायतों व सुझावों पर गंभीरता से गौर कर सिफारिशें सरकार को देगी। लोगों को राहत देने के लिए टीसीपी सब कमेटी बनाई गई है। ग्रामीणों की बातों पर अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। स्पष्ट किया है कि ग्रामीणों को टीसीपी से राहत दिलाने के उद्देश्य से ही सड़क कमेटी का गठन किया गया है। इस मौके पर विधायक मुल्क राज प्रेमी आशीष बुटेल, एडवोकेट जनरल हिमांशु मिश्रा, भाजपा नेता इंदु गोस्वामी उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री ने पालमपुर बस अड्डे का निरीक्षण भी किया और ट्यूबलाइटों के बंद होने पर कड़ा नोटिस दिया। इसके अलावा बस अड्डा परिसर में बनाए जाने वाले पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद मंत्री ने भाजपा नेता शांता कुमार के साथ उनके परिसर में मुलाकात भी की। आज माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी और जिसमें उन्होंने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जिन क्षेत्रों को लिया गया है तो उनमें से कुछ एक ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को समस्याएं आ रही हैं और जिसमें जनता की एक मांग थी कि भाई इन क्षेत्रों को क्या बाहर किया जाना चाहिए। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जाके हम जनता की बात को सुने और सुनने के बाद ये कि जहाँ जहाँ के ऑब्जेक्शन जाएंगे उन सब पर कैबिनेट सब कमेटी भी विचार करेगी और उसके बाद देखेंगे कि मेरिट और डीमेरिट के आधार पर हम क्या कर सकते हैं तो उस और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें एक बात निश्चित है कि ये यानी सबके सुजेशन को सुनने के लिए इसमें मैं ये जरूर कहूँगा कि कोई कमिटमेंट नहीं है लेकिन लोगों को समस्या का समाधान भी हो और जो आवश्यक लगे तो उसको करने की दिशा में और इसीलिए सबकी बात को सुना कि वास्तव में ज़मीन पर है क्या तो लोग सुन के सारे मिनट सब आएंगे तो उसके मुताबिक अगले जो निर्णय वो करेंगे। सर बैठक में ये देखने में आया कि नियोजित विकास को लेकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ऑब्जेक्शन था विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर या जो नियमों में थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ हैं उसको लेकर। आपने बिल्कुल उचित कहा कि इसलिए कई तरह की बातें हैं और मुझे लगता है कि जब भी कोई परिवर्तन हो कुछ ना कुछ बातें होती है लेकिन इसलिए कहाँ पर क्या सुधार की गुंजाइश है उसको निश्चित रूप से ठीक करना वो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको करेंगे। सर खेल नीति को लेकर बहुत चर्चा रहती है, क्या रहेगा? स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी बन करके तैयार हो गई है और हमने पब्लिक डोमेन में डाला था। अब हमारे पास सारी की सारी सुजेशन आ गई हैं। अभी बस हम शायद लगभग इसी सप्ताह में उसकी मीटिंग करके जो पब्लिक ने हमको सुझाव दिए उस पर डिस्कशन करके हमारा प्रयास रहेगा किसी बजट सत्र के मध्य में जो हमारी कैबिनेट होगी उसमें ला करके उसको हम हिमाचल के खेल प्रेमियों के लिए समर्पित करेंगे। क्या परिवर्तन कर रहे हैं प्रमुख? परिवर्तन आपको पॉलिसी का ड्राफ्ट वैसे हमने पब्लिक डोमेन में डाला है और आप उसको भी पढ़ लेंगे तो और आपके सुझाव लेंगे और बाकी वो सबको समर्पित करके आएगा। सर भीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग होती है, वर्ल्ड कप तक हो गया, प्री वर्ल्ड कप तक हो गए, परंतु इस एडवेंचर गेम को अभी तक आपके विभाग की सूची में शामिल नहीं किया गया है। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स को अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड एलाइड स्पोर्ट्स इसको यानी कि आयोजित करता है और ये उन्हीं के ही कार्यक्षेत्र में आता है और इसलिए जो यहाँ का जो पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग है चाहे राफ्टिंग इस प्रकार के जितनी एडवेंचर स्पोर्ट्स है
इस सब पर हम विशेष तौर पर ध्यान दें और हमने कहा है कि इस फील्ड में हम वीर बिलिंग को भी हम एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक हब बनाने वाले हैं और उसके लिए हमें बहुत से प्रपोजल्स अभी हमारे पास तैयार हैं और इसको एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक ऐसे हब के रूप में तैयार करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का देश और दुनिया के लोग यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी और खेल और खिलाड़ियों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये शामिल रहेगा? निश्चित रूप से ये स्पोर्ट्स पॉलिसी का एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारा ये मुख्य हिस्सा है। पैराग्लाइडिंग रहेगा? हाँ बिल्कुल। देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स में अनेक प्रकार के खेल हैं, पैराग्लाइडिंग है, स्कीइंग है, माउंटेनियरिंग है, ट्रैकिंग है, जिपलाइन है, रिवर क्रॉसिंग है और यानी इस प्रकार के कई जैसे इसका हाई स्काई साइकिलिंग है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आती हैं तो वो सबके सब जो हमारी पॉलिसी में वो हैं और वो रहेंगे।